so that's another way to save money on your flight tickets something called skip lagging तो so skip lagging में कैसे होता है कि let's say you want to fly from destination A to destination B but क्योंकि वहाँ की टिकट directly आपको expensive मिल रही है you book a flight to destination C जो कि आपका reality में destination नहीं है but उस flight का जो layover है वो आपके रियल डेस्टिनेशन पे है सो इट्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड बी टू पॉइंट सी अब उस केस में यू माइट फाइंड चीपर टिकट सो मैं एग्जांपल अगर लेके चलू कि आपने टोरंटो से कैलगरी जाना है बट यू सी की कैलगरी की डायरेक्ट टिकट वो एक्सपेंसिव मिल रही है बट इफ यू बुक अ टिकट फॉर वैंकूवर जो कैलगरी में ले के साथ जा रही है वो टिकट आपको सस्ती पड़ रही है तो यू कैन डू दैट ओनली प्रॉब्लम इज कि आपके पास अगर लगेज जाता है और आपने चेक इन कर रखा है तो फ्लाइट के साथ वो लगेज भी अपने आप ट्रांसफर होता जाएगा सो दैट वे यू वॉन्ट बी एबल टू क्लेम योर लगेज इन कैलगरी और वो वैंकूवर पहुंच जाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है सो इफ यू आर ट्रेवलिंग लाइट आपके पास सिर्फ आपका हैंड बैग है तो उस केस में ये आपके बहुत काम आ सकता है यू कैन सेव अ टन ऑफ मनी सिमिलरली ये आपको मेथड अगर यूज करना है आप लॉन्ग फ्लाइट्स पे भी यूज कर सकते हो यू माइट आल्सो बी एबल टू फाइंड फ्लाइट्स टू इंडिया और अदर डेस्टिनेशन यूके यूएस तो ये आप कर सकते हो नाउ एयरलाइंस को ये चीज पसंद नहीं आती उनको इसलिए पसंद नहीं आती बिकॉज जो जो फ्लाइट पे करती है दे पे बेस्ड ऑन की कितने ट्रेवलर्स एक एयरपोर्ट पे आ रहे हैं सो so, उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी एक फी पे कर रखी है बट यू आर नॉट गोइंग टू दैट एयरपोर्ट और रस्ते में उनकी सीट खाली आई है जो भर सकती थी कोई और उसके लिए पैसे दे सकता था सो एयरलाइन को तो ये पसंद नहीं आएगा सो उसके साथ साथ थोड़े नेगेटिव और भी हैं जैसे कि अगर आपके पास आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो और आप पॉइंट्स कलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि एयरलाइन आपको वहां पे पीनलाइज करना शुरू कर दे आपके पॉइंट्स वहां से ले लें और आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दे कुछ फ्लाइट्स ने लीगली एक्शन लिए हैं लोगों पे बट दे हैव नॉट बिन सक्सेसफुल लुफ्तान साह ने करा था बट उनका जो केस था कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ही रूलिंग दे दी थी तो उनको फायदा नहीं हुआ एयरलाइंस के लिए लीगली कुछ ज्यादा स्कोप uh, नहीं है बट स्टिल दे डू नॉट हैजिटेट जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल कि हम तुम्हें प्रस्यू कर सकते हैं बट अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉरन एयरलाइन जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने कभी कभी ट्रैवल करना होता है क्या कर लेंगे तो यू कैन डेफिनेटली ट्रेवल और मेक श्योर sure आपकी रिटर्न फ्लाइट नहीं है अलग अलग टिकट है क्योंकि इफ इट्स द सेम टिकट और आपने पहली जर्नी कंप्लीट नहीं करी तो एयरलाइन वुड कंसिडर इट अबेंडेंड और वो आपकी जो रिटर्न जर्नी है वो भी कैंसिल कर देंगे तो वन साइड टिकट के लिए एक डेस्टिनेशन किसी एयरलाइन पे रेंडमली जाना है तो यू आर टोटली फाइन यू कैन टोटली डू इट बट कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो बिफोर यू डू दैट